नमस्कार, राजस्थानी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से दूध को उबालना चाहिए कि आपके दूध की मलाई बहुत ही बढ़िया एकदम थिक जैसे कि रोटी होती है उस तरीके से जमे। आजकल यही परेशानी रहती है कि दूध कितना भी बढ़िया ले 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 पर वो बाद मलाई पर नहीं आती है, उतनी अच्छी मलाई निकल कर नहीं आ पाती या फिर कम निकलती। आज मैं आपके साथ टिप्स एंड टिप्स फॉलो कर रही हूँ कि अगर आप अपनाएंगे तो दूध में मलाई बहुत ही बढ़िया निकलेगी, दूध में बढ़िया निकलेगी एकदम थिक जिसको आप खाने में भी सर्व कर सकते हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर वीडियो को अंत तक देखना अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले एक जार लेंगे जिसमें आप दूध गर्म करते हो उसमें फुल पेट दूध डालेंगे। दूध डालने से पहले थोड़ा पानी ऐड करेंगे जिससे क्या होता है कि दूध बर्तन के तले में चिपकेगा नहीं और रोटी जितनी मोटी एकदम थिक मलाई तैयार होती है। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है, इसको गर्म करने के लिए रखेंगे। इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि मलाई निकालने के लिए जो दूध गर्म करेंगे उसमें से कम 8 घंटे तक दूध नहीं निकालेंगे, तब उसमें 1.5 इंच जितनी मोटी मलाई निकलती है। अगर दूध को छेड़ देते हैं तो मलाई कम निकलती है, यही समस्या सभी लोगों के साथ होती है। दूध को अच्छे से गर्म करेंगे और गैस को लो टू मीडियम रखेंगे। दूध उबाल आने के बाद भी 5 मिनट तक अच्छे से उबालेंगे। दूध को जितना अच्छे से गर्म करेंगे उतनी ही अच्छी मलाई निकल कर तैयार होती है। दूध को अच्छे से गर्म कर लिया है, गर्म करने के बाद दूध इस प्रकार का दिखाई देने लग जाता है। इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छा ठंडा हो जाए उसके बाद इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि ये जितना ठंडा होगा उतनी ही अच्छी मलाई तैयार होती है। तो इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देते हैं। मैंने इसको बाहर निकाल लिया है और इसमें देखो कितनी मोटी मलाई लगी हुई है। अब इसको निकालने के लिए मैंने इसको किनारों से ऐसे धीरे धीरे करके चुड़ाएंगे कि जिससे क्या होता है कि ये मलाई टूटेगी नहीं, और इसको साइडों से आसानी से चुड़ा लेते हैं। फिर इसको जार को अंदर से डालकर ऐसे उठा लेंगे, देखो कितनी मोटी मलाई निकल कर तैयार हुई है। ये रोटी से भी ज्यादा मोटी मलाई निकल कर तैयार हुई है। इसी प्रकार बची हुई मलाई को भी निकाल लेंगे और सारी मलाई निकाल कर एक बाउल में स्टोर करेंगे। इसको स्टोर करके आप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो, आप सब्जी में कर सकते हो, आपको बाजार से लाने की कोई जरूरत नहीं है। बाजार वाली मलाई इतनी अच्छी नहीं आती, ये बहुत ही बढ़िया रहती है और खाने में भी एकदम बहुत टेस्टी लगती है। इसको एयर टाइट कंटेनर के डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हो। थैंक्स।